तो अभी हम ऑलरेडी एक बज चुका है एंड अभी हम लंच के लिए जा रहे हैं, तो हमारे दोस्त आगे निकल गए हैं कुछ दोस्त, तो अभी कहाँ पे जा रहे हैं विल फाइंड आउट। कुछ तो कोई ना कोई फेमस जगह, ओके फिश मार्केट सी फूड रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। तो ये क्या है बेसिकली, बिकॉज मैं फिश खाता नहीं हूँ, तो क्या है बताइए। फाइनली हम आ चुके हैं फिश मार्केट, जो कि ये एक रेस्टोरेंट का नाम है फिश मार्केट, तो ये ऐसा कोई फिश मार्केट नहीं है, ये सी फूड के लिए यहाँ पे फेमस है मैंगलोर में। सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। तो ये है फिश मार्केट एंड यहाँ से इसका एंट्रेंस है। सो काफ़ी ऑथेंटिक स्टाइल का रेस्टोरेंट है ये, यहाँ पे नीचे भी सिटिंग है। यहाँ पे ऊपर भी सिटिंग एरिया है। सो ये गूगल मैप पे या गूगल पे आप सर्च करेंगे यहाँ पे यमी सी फूड प्लेसेस इन इंडिया, तो आपको यहाँ पे फिश मार्केट मैंगलोर भी आपको मिल जाएगा इस तरीके से। सो ये एंट्रेंस है। ए सी सेक्शन है, यहाँ पे खाना पक रहा है। दिस इज द ए सी सेक्शन। सो यहाँ पे दो सेक्शन है, ए सी सेक्शन भी है एंड नॉन ए सी भी है। सो ये आउटडोर सेक्शन में हमारे लोग बैठे हैं। आज इसका बर्थडे है पुरवा का एंड पार्टीज की तरफ से है। ये है फिश मार्केट का मेनू, इसमें है ये सूप, चाइनीज सूप, सलाद, वेज स्टार्टर, चिकन स्टार्टर, मटन स्टार्टर, तो काफ़ी वैरायटीज़ ऑफ फूड यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। फिश के लिए फेमस है ये एंड सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आपको 80 रुपीस में फिश करी मील मिल जाता है। खाना आ चुका है यहाँ पे। ये है प्रॉन्स मसाला फ्राई और ये है पॉम्फ्रेट मसाला फ्राई। जोविडा कैसा है खाना? नॉट नाइस। ये डोसा, तंदूरी रोटी एंड बटर चिकन, और एशली स्टार्ट भी कर चुका है बटर चिकन। एशली कैसा है बटर चिकन? ओके। सो गाइज वी आर बैक फ्रॉम फिश मार्केट, जो कि एक रेस्टोरेंट का नाम है जहाँ पे हम गए थे। सो वी आर बैक टू आर होटल नाउ। तो वहाँ का खाना मुझे कुछ ओके टाइप्स लगा, बट इतना मतलब कुछ मज़ा नहीं आया मुझे खाने में। एंड अगेन द प्राइसिंग इज़ रीजनेबल, तो रीजनेबल प्राइस है, जैसे दो लोग आई थिंक 200 रुपये में खाना खा सकते पेट भर के वहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि उसमें 80 रुपये का 80 रुपीज़ का जो है वो थाली है, फ़िश थाली, तो आपको वैसे आप दो मंगवा सकते हो। बट अदर देन दैट टेस्ट वॉज ओके, इतना कुछ हाई एक्सपेक्टेशंस था हमारा वैसा नहीं है। मे बी शायद हमने मुंबई में काफ़ी अलग वैराइटीज़ के खाने खा चुके हैं, इस वजह से यहाँ का हमको वो टेस्ट इतना कुछ पसंद नहीं आया। एंड मे बी हो सकता है कि यहाँ के लोकल लोग को, वो काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है तो लोकल लोग को पसंद आता है, उन्होंने वैसा खाना नहीं खाया हो। सो दिस इज़ इट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड इवन गिव अस सम सजेशंस। अगर कुछ और कंटेंट या मैंगलोर के अलावा कोई और जगह पे जहाँ पे आप जानते हो कि फेमस जगह है, देन यू कैन कमेंट एंड इन्फॉर्म अस। एंड डेफिनेटली अगर मैं वहाँ पे विजिट करता हूँ तो वहाँ पे भी वीडियो बनाएंगे हम। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। एडियोज़।